हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज 8.5 क्लास एट पी एस की न्यू बुक से सॉल्व द फॉलोइंग द्क्र्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज यहाँ पर हमें कौन सा स्क्वायर दिया है एक्स वाई प्लस थ्री जेड होल स्क्वायर तो आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको ओपन कर लेंगे वी नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ओके okay, आप बी स्क्वायर को एंड में भी लिख सकते हो आपकी चॉइस है ओके सो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई इंटू थ्री जेड प्लस बी स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखोगे थ्री जेड होल स्क्वायर सो सिंपली आपने इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया जो राइट हैंड साइड है ना उसमें आपने वैल्यूज पुट कर दी ओके सो यहाँ पर ए रेफर कर रहा है एक्स वाई को एंड बी रेफर कर रहा है थ्री जेड को सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स वाई जेड प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन जेड स्क्वायर सो दिस इज़ दी आंसर ओके नेक्स्ट है टू अपॉइंट थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉइंट टू वाई होल स्क्वायेर सो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी सो यहाँ पर ए क्या है टू अपॉइंट थ्री इंटू एक्स बी क्या है यहाँ पर थ्री अपॉइंट टू इंटू वाई ओके सो दिस इज इक्वल टू टू अपॉइंट थ्री इं टू एक्स होल स्क्वायर प्लस थ्री अपॉइंट टू इं टू वाई होल स्क्वायर माइनस टू इंटू टू अपॉन थ्री एक्स इंटू थ्री अपॉन टू वाई ओके सो यहाँ पर देखो टू टू आपस में कट गए थ्री एंड थ्री ये भी आपस में कट गए इसको सिंप्लीफाई कर लो टू टू जा फोर ऊपर एक्स का स्क्वायर अपॉन थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन वाई का स्क्वायर अपॉन टू टू ज़ा फोर माइनस का साइन ऊपर क्या बचा टू एक्स वाई सो दिस इज़ दी आंसर थर्ड पार्ट है अब यहाँ पर देखो उन्होंने हमें इक्वेशन दे दी है जबकि जो पीछे के पार्ट्स हैं एंड जो आगे के भी पार्ट्स हैं वहाँ पर उन्होंने हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है तो आई थिंक शायद यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है या फिर उन्होंने हमें हिंट दिया है कि माइनस ए प्लस सी इन टू माइनस ए प्लस सी ये किसके इक्वल होगा अब इसी चीज को हम दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा राइट माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर तो इसके ऊपर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं कैसे देखो दो तरीके से यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो ठीक है सो so, यहाँ पर ना मैं आपको ए प्लस बी या ए माइनस बी के बजाय एंड वाई वेरिएबल्स लेके आइडेंटिटी लिखूंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एंड दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ठीक है सो माइनस ए प्लस ई का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पर मैं पहले तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करूँगी ठीक है सो so, x यहाँ पर क्या है माइनस ए देन y क्या है c तो so, आप यहाँ पर इसको सिम्प्लीफाई कर दो x का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस ए का स्क्वायर देन y का स्क्वायर दैट मीन्स c का स्क्वायर देन प्लस टू एक्स वाई सो प्लस टू एक्स क्या है माइनस ए वाई क्या है सी सो माइनस ए का स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर देखो ओवरऑल एक नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन आ गया टू ए सी ठीक है सो दिस इज दी आंसर अब मैं आपको इसी चीज़ को एक अलग वे से भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाए ठीक है सो माइनस ए प्लस सी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना सी माइनस ए होल स्क्वायर C को मैंने आगे लिख लिया माइनस ए को मैंने पीछे लिख लिया चेंज मैंने कुछ नहीं किया अभी भी ये बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ पर है ठीक है सो सी माइनस ए होल स्क्वायर अभी मैं कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर सकती हूँ दिस आइडेंटिटी का नाउ वी हैव एक्स एज सी वाई एज ए बट फॉर्मूला अभी चेंज हो गया आइडेंटिटी अब हमारी चेंज हो गई है अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर तो इसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लगा देंगे x का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर y का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई सो माइनस टू इंटू एक्स एक्स क्या है c y क्या है a सो so c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए लिख लो या ए सी लिख लो ओके okay? सो so ये एंड ये अब देखो ना ये दोनों बिल्कुल सेम है ओके okay? सो so आपके माइंड में जैसे भी क्लिक हो आप वैसे कर सकते हो सो इसीलिए मैंने आपको दोनों वे से इसको सॉल्व करके दिखाया है ठीक है ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके ठीक है जी नेक्स्ट है होल स्क्वायर सो यहां पर ए माइनस बी होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी का हम यूज कर लेंगे सो वन पॉइंट टू पी होल स्क्वायर प्लस वन पॉइंट फाइव क्यू होल स्क्वायर माइनस टू इंटू वन पॉइंट टू पी इंटू वन पॉइंट फाइव क्यू सो दिस इज इक्वल टू अब देखो डेसिमल को भूल जाओ ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व होता है वन हंड्रेड फोर्टी फोर यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ एक बार कि ए रेफर कर रहा है यहाँ पर वन पॉइंट टू पी को एंड बी रेफ़र कर रहा है वन पॉइंट फाइव क्यू को ओके okay? सो so, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दिया सो नाओ ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व होता है वन हंड्रेड फोर्टी फोर अब पीछे से हमने दो डिजिट छोड़ के लगाना है डेसिमल क्यों क्योंकि जब आप 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वन टू सो पीछे से टू डिजिट छोड़ के हमने लगा दिया डेसिमल। सो वन साथ में क्या आएगा पी स्क्वायर ओके प्लस 15 इंटू फिफ्टीन होता है 225। अब इसमें भी पीछे से टू डिजिट्स छोड़ के डेसीमल लग जाएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था सो टू पॉइंट टू फाइव क्यू स्क्वायर माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं क्विकली सो डेसिमल्स को छोड़ दो फिफ्टीन टू जा थर्टी थर्टी को मल्टीप्लाई कर दो ट्वेल्व के साथ सो so, पीछे ज़ीरो लग गया ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स थ्री हंड्रेड सिक्सटी आ गया अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे कैसे यहाँ पर देखो टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वन टू सो पीछे से वन टू टू डिजिट छोड़ के डेसीमा लगा दिया सो दिस इज थ्री पॉइंट सिक्स सो थ्री पॉइंट सिक्स पी क्यू सो दिस इज दी आंसर नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर होल स्क्वायेयर सो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सो यहाँ पर ए है एक्स स्क्वायर एंड बी है थ्री वाई स्क्वायर ओके सो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब थ्री वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू थ्री वाई स्क्वायर सो एक्स रेज टू दर टू इंटू टू फोर एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जा नाइन वाई की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू टू ज फोर क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको याद है ना मैंने प्रीवियस एक पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया था ए रेज टू दी दार एम अगर इसका एक्सपोनेंट एन दिया हो सो दिस इज इक्वल टू ए रेज टू दार एम इन टू एन ठीक है यहाँ पर प्लस थ्री टू जिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सो दिस इज दी आंसर नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर ये स्क्वायर है ओके सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी सो एक्स रेफर कर रहा है यहाँ पर ए को वाई स्क्वायर जेड रेफर कर रहा है यहाँ पर बी को ओके सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इसका होल स्क्वायर माइनस टू इन टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर जेड सो एक्स स्क्वायेर प्लस वाई की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी टू टू जा फोर z की पावर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहां पर z की पावर क्या है वन सो वन इंटू टू टू ठीक है माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर जेड सो स्टूडेंट्स दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थर्ड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल आल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर